होली में शराब माफिया नहीं कर पाएंगे होम डिलीवरी, हो चुकी है पूरी तैयारी। राजधानी में शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद पॉश इलाकों में यानी कि कंकड़बाग, बोरिंग रोड, राजा बाजार जैसे इलाकों में पुलिस ने टीम गठित कर चप्पे चप्पे पर छापेमारी शुरू कर दी है, जिसके बाद शराब माफिया अब शराब की होम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। इसके तहत बिहार पुलिस मुख्यालय से बीएमपी की 5 कंपनियां मांगी गई हैं, जिनमें कुल 300 जवान शामिल होंगे। इन जवानों के जरिए पटना पुलिस शहरी और ग्रामीण इलाकों में शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। इसके साथ ही सभी मुसहरी इलाकों में भी तलाशी ली जाएगी। गौर मतलब है कि इन इलाकों में देसी शराब की खेप बड़े पैमाने पर पाई जाती है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी धड़ल्ले से की जा रही है। होम डिलीवरी के जरिए लोग बेखौफ होकर अपने घरों में बैठकर शराब पी रहे हैं। हाल के ही दिनों में इस तरह के कई मामलों का खुलासा हुआ है। चूँकि अब होली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए देसी विदेशी ब्रांड के शराब की भी डिमांड काफ़ी तेज हो गई है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल से शराब की खेप बड़े पैमाने पर आने की तैयारी में है, जबकि बहुत सारी खेप बिहार में पहुंच चुकी है। दूसरे राज्यों से आई खेप को बरामद करने और होम डिलीवरी पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए पटना पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब माफियों को पकड़ने की तरकीब बताई थी। उन्होंने निर्देश दिया कि बड़े शहरों के शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं। जिला स्तर पर बड़े बड़े आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक विशेष नजर रखेंगे और तेजी से कार्रवाई करेंगे। जेल से बाहर निकले शराब माफियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। शराब पीने वालों के साथ साथ शराब के धंधेबाजों पर भी पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी है। शराब के धंधे में लिप्त कोई भी व्यक्ति अब बचेगा नहीं। ज्ञात हो कि शराब माफियाओं के साथ साथ सांठगांठ और अवैध वसूली व मनमानी का आरोप पटना पुलिस के क्विक मोबाइल के जवानों पर लगता रहा है। कई ऐसी शिकायतें लगातार सीनियर ऑफिसरों तक पहुंची रही हैं। कुछ दिनों पहले ही कदमकुआं थाना में तैनात क्विक मोबाइल के एक जवान के शराब माफियाओं से मिले होने का खुलासा हुआ। इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। इन बातों का ध्यान रखते हुए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। क्विक मोबाइल के 103 जवानों पर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इन जगहों पर नए जवानों को क्विक मोबाइल की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी ने बताया कि अब उन जवानों को जिम्मा दिया गया है जो कभी क्विक मोबाइल की टीम में नहीं थे।